आप कहीं भी बाहर घूमने गए हो और आप बीमार हो गए हो। बैकग्राउंड की आवाज को अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप इग्नोर करना। ओके गाइस। तो ये रूम हम अभी छोड़ रहे हैं और 2 या 3 बार मुझे वापस वॉमिट हुई है। भगवान करे मुझे नींद आ जाए। हमारे लिए बॉक्सेस भेजे हैं अभी इसमें हम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज Good है morning, friends. मेरे भाई के बैकग्राउंड की आवाज को अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप इग्नोर करना। ओके गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, कितना 11:30 थे या किधर 11:15, 11:15 बज रहे हैं और रात को मैंने बहुत सारी उल्टियां की है, वॉमिट वॉमिट की है और तबीयत एकदम डाउन है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही दर्शन के लिए गए हैं मनसा देवी। मनसा देवी। मैंने यहाँ पे खुद ब खुद चाय बनाई है। जिसमें केतली जला दी है मैंने। हाँ मैंने किटली नहीं जलाई, मम्मी ने जलाई। तो हाँ देखो ऐसा ही होता है, हम ट्रैवल करते हैं बट हमारे में इतनी क्या बोलते हैं इम्यूनिटी होनी चाहिए कि बाहर का खाना हम पचा सके। ओह एक्चुअली शिट, मोटिवेशन आय हाय। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने बहुत सारी चीजें कल अलग अलग टाइप की लाइक लस्सी भी पी थी, छाछ भी पी थी और ऐसे 2-3 चीजें मैंने खाई थी जिसकी वजह से शायद मुझे रात को वॉमिट हो गई और पूरी रात मैं सोई भी नहीं, ऐसे ही हूं मैं। और देखते हैं अभी आज टूर का 4th दिन है एंड हरिद्वार में ही है हम। 1 मिनट, यहाँ से व्यू भी है। ये मेरा भाई। रूम की हालत देखो क्या कर बैठे हैं ये लोग। देखो ये इतना भी यार कोई गंदा करता है, होटल वाले बेचारे बोलेंगे कि ये कौन रहने आ गया। यहाँ से व्यू है गंगा नदी का व्यू। सच में यार सुबह में इतनी सारे ब्लेसिंग्स कहाँ कि हम देखते ही गंगा नदी सामने हो। सो यस, अभी देखेंगे, नारियल पानी पीऊंगी मैं, फिलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ और फिर देखेंगे क्या करते हैं आगे। बने रहिए व्लॉग में। थैंक यू। सो वी आर चेंजिंग आर रूम और ये श्री मारुति से हमारे जो यहाँ के ब्रांच वाले हैं उन्होंने हमारे लिए बॉक्सेस भेजे हैं। अभी इसमें हम ज़्यादा जो सामान पड़ा है उसको यहाँ से ही कुरियर कर देंगे। और ये रही मैं, कल वाले ही कपड़े पहने क्योंकि आज कुछ एनर्जी नहीं है और हमें कहीं पे खास जाना भी नहीं है। सो बस अभी ये सब मैं इस बैग में पैक कर रही हूँ। तो ये रूम हम अभी छोड़ रहे हैं और इसी होटल में हम 2 अलग-अलग रूम ले रहे हैं बिकॉज़ ये वाला रूम में जो ऊपर दिख रहा है पंखा है और मेरे रूम में देखो जहाँ पे मैं सो रही थी वहाँ पे पंखा नहीं है। सी ऊपर और खिड़की भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप हो रहा था। तो फिर हमने बोला कि ये नहीं, हमें 2 अलग-अलग रूम चाहिए। सो अभी थोड़ी देर में ये रूम को छोड़ेंगे और फिर हम जाएंगे। और फिलहाल मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट, तब तक रूम रेडी हो रहे हैं हमारे। कुछ कम नहीं है, ज्यादा ही धूप है। हे सारू छे अभी खाना खाने के बाद हम हैं इस ब्लैंकेट की शॉप में। बहुत अच्छे अच्छे ब्लैंकेट है और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है। सी।
चार हमने लिए हुए हैं और ये एक और भैया लेके आ रहे हैं इडली। तो अभी हम नए रूम में आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ रूम कैसा है। यहाँ से एंट्रेंस है, वॉशरूम देखते हैं। ये रही मैं, वॉशरूम भी अच्छा स्पेशियस है। स्पेशली बस यहाँ पे पंखा है तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये कबर्ड है और यहाँ का व्यू ये है, ये होटल के पीछे की साइड है इसीलिए। अभी चॉकलेट इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी खाना पसंद नहीं आ रहा है, रात को बहुत ज़्यादा वॉमिट होने की वजह से। आज हमने कहीं पे भी नहीं गए, खाना खाने गए थे जस्ट जो आपको मैंने दिखाया रिक्शा में, पर बहुत ज़्यादा धूप है। अभी शाम को भी कहीं पे खास हम जाएंगे नहीं, होटल के आसपास ही रहेंगे बस। कल हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और कल हमें जाना है देहरादून। है कि आप कहीं भी बाहर घूमने गए हो और आप बीमार हो गए हो, आई एम मिसिंग होम। बट कोई नहीं, अभी 2 दिन बचे हैं तो शायद सोने से तबीयत अच्छी हो जाए, तो बस अभी मैं सिर्फ सो रही हूँ। और मम्मी बाजू के रूम में, क्योंकि अभी वो रूम खाली है, मेरा भाई और पापा दोनों ही ऑफिस पे गए हैं। यहाँ पे जो हमारी श्री मारुति की हरिद्वार में ऑफिस है वहाँ पे वो गए हैं, वो लोग मीटिंग वगैरह भी करने वाले हैं। और मैं जाने वाली थी बट मेरी एनर्जी नहीं है, सो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। होपफुली पंखा लग गया है और फेस आए और भगवान करे मुझे नींद आ जाए। ऐसा ही होता है जो मतलब रात तो अभी बज रहे हैं इवनिंग में 6 और ना ही तो मुझे नींद आई है और ना ही आराम हुआ है, उल्टा 2 या 3 बार मुझे वापस वॉमिट हुई है। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग कैन हैपन इन ट्रैवल कि आप बीमार हो गए और आप कुछ घूम नहीं पाए। घूमना तो ठीक है, आप आराम से रह भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जो भी खा रही हूँ सब कुछ निकल जा रहा है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने नींबू पानी तो पेट में रखा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, यार मैं रूम में उब गई हूँ, बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा है सोए सोए और एनर्जी लेस लग रहा है। सो 50-60% डे तो मैंने ऐसे ही सोने में वेस्ट हो गया है। अभी एटलीस्ट 10% भी थोड़ा बाहर जाके आई होप कि मुझे अच्छा लगे। ये है पायलट बाबा मंदिर, इट इज़ वेरी मच फेमस।